अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आज हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी नंबर को एक डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 4633 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम 8 के साथ। तो सबसे पहले जो बड़ा नंबर है वो हम ऊपर लिख लेंगे और जो 8 है वो हम उसके नीचे लिख लेंगे। अब सबसे पहले स्टेप में जो वंस वाला नंबर होता है यानी कि 3, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ। तो 8 टाइम 3 हो जाता है 24। तो 4 हम लिखेंगे नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। फिर सेकंड स्टेप में जो टेंस प्लेस वाला नंबर होता है यानी 3, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ। तो 8 टाइम 3 इज़ दोबारा से 24 होता है और उसमें वो ऊपर वाला 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 26। तो 6 लिखेंगे हम नीचे और 2 चला जाएगा 6 के ऊपर। थर्ड स्टेप में जो 100 प्लेस वाला नंबर होता है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ। तो 8 टाइम 6 इज़ होता है 48। 48 में जो ऊपर वाला 2 है वो हम करेंगे प्लस तो हो जाएगा 50। 50 का 0 हम लिखेंगे नीचे और 5 चला जाएगा 4 के ऊपर। देन नंबर स्टेप नंबर 4 में जो 1000 वाला प्लेस है यानी 4, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 के साथ। तो 8 टाइम 4 इज़ होता है 32 और 32 में वो 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 37। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया था 37064। तो ये थी हमारी वन डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि कोई भी नंबर को दो डिजिट नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। यानी कि 283 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 7 से। तो सबसे पहले हमने जो बड़ा नंबर है 283 उसको ऊपर लिख लेना है और 27 को लिख लेना है नीचे। अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टेप वन में जो 7 वाला डिजिट है यानी कि वंस, उस 7 को सब के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 के साथ भी, 8 के साथ भी, 3 के साथ। पर स्टार्ट हमेशा करते हैं राइट साइड से। तो 7 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। तो 7 टाइम 3 इज़ होता है 21। तो 1 नीचे और 2 चला जाएगा ऊपर। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। तो 7 टाइम 8 इज़ होता है 56। 56 में वो जो 2 है वो हम प्लस करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 58। तो 58 का 8 नीचे लिखा जाता है और 5 चला जाएगा 2 के ऊपर। फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। तो 7 टाइम 2 इज़ होता है 14। 14 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 19। तो इस तरह हमने 7 को तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया। अब सेकेंड स्टेप में जो भी राइट पे फर्स्ट नंबर होता है उसके नीचे दिया जाता है 0 या तो मल्टीप्लाई की निशानी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट नंबर पे 1 था तो 1 के नीचे हमने दे दिया 0। अब उसके बाद 2 को सबसे मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 टाइम 3 इज़ होता है 6। तो 8 के नीचे हमने लिख दिया 6। 2 टाइम 8 इज़ होता है 16। तो 16 का जो 6 है वो 9 के नीचे लिख देंगे और 1 चला जाएगा 2 के ऊपर। और लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ। तो 2 टाइम 2 इज़ होता है 4 और ऊपर वाला 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5। तो वो हम लिख देंगे 1 के नीचे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो दोनों मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली हैं उनको आपस में करेंगे प्लस, यानी कि 1981 को प्लस करेंगे 5660 से। तो 1 के नीचे 0 है तो 1 को 0 से प्लस करेंगे तो 1 का 1 ही आ जाएगा। 8 और 6 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 14। 4 नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर। 9 और 6 को प्लस करेंगे तो होते हैं 15 और वो जो 1 है वो भी प्लस करेंगे तो हो जाएगा आपका 16। तो 16 का 6 नीचे और 1 चला जाएगा ऊपर। फिर 5 और 1 और 1 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7। तो इस तरह हमारा आंसर आया 7641। तो ये कहलाती है आपकी टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन। अब हम बात करेंगे डिवीज़न की।
डिवीजन करने के लिए भी और मल्टीप्लाई करने के लिए भी आपको सबसे पहले टेबल याद होने चाहिए। 2 से लेके 9 तक टेबल आपको याद होने चाहिए। अब डिवीजन के लिए 4098 को डिवाइड करना है 8 के साथ, तो सबसे पहले ये डिवीजन की निशानी बना देंगे जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही है। अब जो बड़ा वाला नंबर है वो इसके अंदर लिखा जाएगा, 4098 हमने अंदर लिख दिया और 8 लिखा जाएगा बाहर। अब स्टेप 1 में जो 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्स्ट नंबर से, तो 8 के टेबल में चेक करेंगे कि 4 आता है या नहीं आता। क्यों? अब 4 जो है 8 से छोटा है, तो इसलिए हम 8 का टेबल 4 पे नहीं लगा सकते, इसलिए हम 0 भी साथ में उसको काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा 40। अब 8 के टेबल में 40 कितनी बार आता है ये आपको टेबल याद होगा तो आपको पता होगा, 8 × 5 इज़ होता है 40, तो हम 40 लिख लेंगे। फिर हम इसको कर देंगे माइनस, 0 में से 0 गए तो 0 बचे, 4 में से 4 गए तब भी 0 बचे। अब जो 9 डिजिट है वो आ जाएगा नीचे। अब सेकंड डिजिट में, सेकंड स्टेप में जो 9 है उस पे टेबल लगाएंगे 8 का। अब 8 के टेबल में 9 तो नहीं आता, पर उससे छोटा आता है, वो होता है 8, 1 मरतबा, तो 8 × 1 इज़ 8 हो जाएगा। अब 9 में से 8 को माइनस करवाएंगे तो बचेगा 1। अब जो लास्ट डिजिट है 8, वो भी हम 1 के साथ नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा 18। स्टेप 3 में अब हमें 8 का टेबल 18 पे लगाना है। अगर आपको टेबल याद होगा तो आपको पता है कि 8 के टेबल में 18 नहीं आता पर 16 आता है, तो हम 16 का टेबल लगाएंगे, 8 × 2, 2 ऊपर लिखेंगे और 16 आ जाएगा नीचे, तो 8 × 2 इज़ हो जाएगा 16। अब 8 में से 6 गए तो बचा 2, और ये हमारा जो नीचे नीचे वाला 2 है वो कहलाएगा रिमाइंडर, और जो हमारा 512 ऊपर ऊपर वाला आंसर आया वो कहलाएगा क्वोशंट। तो इस तरह हमें करनी होती है डिवीजन। तो ये आपका कुछ होमवर्क है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस हैं और एक डिवाइड का है। आप इसे अपनी मैथ की कॉपी पे सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें।